back to another video tutorial. Today we will continue with the topic heredity and variation. हमने already heredity and variation में कुछ चीजें पढ़े थे कि heredity क्या होता है, variation क्या होता है, किस वजह से होता है. In general हमने पढ़ा था. यहाँ पे हम लोग in depth पढ़ने वाले हैं कि किस वजह से होता है, DNA क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, कैसे ये लोग इन्वॉल्व होते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन में, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक बताना चाहूंगी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि ये सारा है जो जेनेटिक्स का पार्ट है. जेनेटिक्स इज नॉट ओनली विच डील्स विद DNA, जीन, क्रोमोसोम, बट उसमें काफी सारी चीजें आती है. जब हम DNA को पूरा पढ़ लेते हैं, जीन को पूरा पढ़ लेते हैं, क्रोमोसोम को पूरा पढ़ लेते हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग जो है उसको एनालाइज करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं. आज जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही बड़ा वास्ट फील्ड है जहाँ पे बेसिकली ये सारे एनालिटिकल चीजें हम लोग यूज करते हैं और उसको हम लोग मॉडिफाई करके वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए, जीन एम्प्लीफिकेशन या काफी सारे डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज करते हैं. ओके, तो ये सब हम बाद में देखेंगे. फिलहाल हम लोग जाते हैं इस टॉपिक पे. हमने ऑलरेडी किया था हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है. अब कौन सा कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट हुआ है, क्या कैसे हुआ है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में है वो है इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स. अब अगर मैं बोल रही हूँ इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, ऐसा कौन सा ट्रेट है जो इनहेरिट हुआ है, यानी कि ट्रांसमिट हुआ है, पास ऑन हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिस वजह से एक्सप्रेस हुआ है. अभी जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी बताया था, ट्रांसमिट क्या होता है, पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग DNA, एंड DNA इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल. तो अभी हम लोग उसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जिस तरह के दिख रहे हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारा कलर है, जैसे हमारे एंजाइम्स वर्क करते हैं, जैसा मेरा हेयर है, जैसा मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, एक्स 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 वाई जेड, सारी चीजें जो है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट इज ट्रांसमिटेड, द ट्रेट विच इज ट्रांसमिटेड. मेरे पेरेंट्स से जो मुझमें आया है वो मुझमें दिखेगा. ऑब्वियसली मेरे में वेरिएशन होगा, मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था. वेरिएशन क्यों होगा, क्योंकि देयर इज अ मिक्सेशन ऑफ फादर एंड मदर का जीन्स. फादर का एक जीन है और मदर का एक जीन है, जिनका मिक्सेशन होके मेरा फॉर्मेशन, मतलब एक बेबी का फॉर्मेशन होता है. तो इस वजह से वेरिएशन होता है, क्योंकि दो अलग अलग जीन का मिक्सेशन होता है, ठीक है. अभी यहाँ पे मैंने लिखा है DNA इज इनहेरिटेड विच लीड्स टू सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन, वही जो मैं भी बोलना चाह रही हूं. DNA ट्रांसमिट हुआ है मदर का और फादर का, ठीक है. इन दोनों के गैमेट्स मिक्स होते हैं एंड अल्टीमेटली फॉर्म होता है, ये टर्म अभी हम नहीं करते हैं, जो बेबी फॉर्म होगा बेसिकली उसमें जो ट्रांसमिट हुआ है इट इज नथिंग बट DNA फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, ठीक है. जिस वजह से उसमें सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन, अब उसमें सिमिलैरिटीज कौन सा, वेरिएशन कौन सा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था, मम्मी की तरह आंख है, मम्मी की तरह बाल है, पापा की तरह कलर है, पापा की तरह नाक है, कुछ कैरेक्टर्स इसमें से आ जाएंगे, कुछ कैरेक्टर्स इसमें से आ जाएंगे. तो ये हो जाएगा सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन बेबी में, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स व्हिच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है. अब जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि एक इंसान का जेनेटिक मेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसके फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज के लिए, जो कैसा दिख रहा है, सारी चीजें जो है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन. जीन किस में होता है, DNA में होता है, ये DNA है, ठीक है. ये प्रॉपरली जब हम DNA करेंगे तब मैं एकदम इन डेप्थ समझाऊंगी, अभी इन जनरल बता रही हूं. ये DNA है, ठीक है. उसके अंदर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स है जो कि जीन है. मान लो यहां से यहां तक जीन है, यहां से यहां तक जीन है, ये जीन है, ये एक जीन है. दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सम कलर, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सम शेप, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयर का अलाइनमेंट कैसा है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिप का अलाइनमेंट कैसा है. तो ये सारी चीजें जो है इस छोटे से DNA के अंदर सारा इंफॉर्मेशन, जैसे
कोई भी अगर मैं बात करूँ, इंजन की बात करूँ या फिर मशीन की बात करूँ, कंप्यूटर्स की बात करूँ, तो वो लोग एक कोड पे चलते हैं। उसी तरह अपना बॉडी भी कोड पे चलता है। इट इज कोडेड इन दिस डीएनए। सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर कोडेड होता है, ठीक है। सो जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जीन जो है सिग्नल देगा प्रोटीन बनाने के लिए, और वही प्रोटीन अभी जो भी चीजें अपने बॉडी में है, इट्स मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स इज प्रोटीन। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, जैसे हेयर हो गया, नेल हो गया, केराटिन, मेलानिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें प्रोटीन है, विच इज अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ द जीन का सिग्नलिंग, ठीक है। अब हम लोग इन डेप्थ थोड़ा सा देखेंगे कि ये डीएनए क्या होता है, कहाँ पे होता है, सेल के अंदर कहाँ पे होता है, थोड़ा सा ये कंसेप्ट देखेंगे। फिर इन डेप्थ हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ वी गो टू द टॉपिक क्रोमोसोम। अब बच्चों ये तुमको सबको पता है, बेसिक बहुत ही बेसिक है कि सेल जो होता है, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट। सेल होता है और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है और सपोज सेल में पूरे न्यूक्लियस के अंदर पूरा है ना ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक पूरा स्प्रेड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रहता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, एंड समझ लो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ है। बट इससे क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है ना जो फैला हुआ है, ये बेसिकली सेल डिवीजन के टाइम पे नॉर्मल फंक्शन, जब तक नॉर्मल स्टेबल है ये थ्रेड लाइक होता है। बट जब सेल डिवीजन होता है, क्योंकि हर सेल में डिवीजन होता ही है, हर सेल का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, डिवाइड होते हैं, डिवाइड नहीं हो तो हम इतने से इतने बड़े हुए ना। सो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ये चेंजेस आता है सेल डिवीजन के टाइम पे, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अगर मैं इसको जूम करूं, सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये अभी के लिए फिलहाल ये मैं नहीं बना रही हूं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब सेल डिवीजन हो रहा है, अगर मुझे इस सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो टेल मी, मतलब इज इट पॉसिबल कि मैं इसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि थ्रेड है वो अलग अलग तरीके से फैला हुआ है पूरे सेल के अंदर, प्रॉपरली मैनेज नहीं है, आधा कहाँ जाएगा आधा कहाँ जाएगा, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं। तो इसलिए जब सेल डिवीजन होता है ना, वो स्टेजेस होते हैं, ये थ्रेड जो है ना कंडेंस होना चालू होता है, और कंडेंस होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है। मैं स्ट्रक्चर का भी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। ये थ्रेड, दिस थ्रेड इज नथिंग बट दिस इज नोन एज क्रोमैटिड। इस थ्रेड को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। ये थ्रेड वाली स्टेज में हम क्रोमैटिड बोलते हैं। जब ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद ये बनता है क्रोमोसोम प्रॉपरली, दिस इज सिंगल क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवीजन होता है ना, तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अभी क्रोमोसोम में भी कई सारे स्टेजेस होते हैं, मतलब क्रोमोसोम का कई सारा शेप होता है। फिलहाल हम लोग इसका ये इतना सा बेसिक इसके बारे में जानते हैं। क्रोमोसोम में देखो एक चीज याद रखो, ये होता है सेंट्रोमियर, दिस इज नोन एज पी आर्म, एंड दिस इज नोन एज क्यू आर्म। अब ये पी आर्म क्यू आर्म क्या है, जो इसमें स्मॉलर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंस होने के बाद जब ये फॉर्म होता है, तो उसमें से जो स्मॉलर पोर्शन होता है वी कॉल इट एज पी आर्म, और जो थोड़ा सा बड़ा होता है दैट इज लार्जर पोर्शन वी कॉल इट एज क्यू आर्म, ठीक है। और सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की वजह से तो क्रोमोसोम्स का अलग अलग नेमिंग होता ही है,
बट सेंट्रोमियर का सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट। जब ही सेल डिवीजन होता है ना, तो सेंट्रोमियर से ही अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स सेल डिवीजन के टाइम पे, जो हेल्प करते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सेल डिवीजन या फिर स्पिंडल फाइबर्स वगैरह, बट इन जनरल मैं बता रही हूँ सेंट्रोमियर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अभी हम लोग प्रॉपर अभी क्रोमोसोम जो है फॉर्म होता है ना, हर किसी में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल बर्ड्स की, एनिमल्स की, तो हर किसी में क्रोमोसोम नंबर अलग होता है, अलग सेट होते हैं, अलग अलग उनका सारा चीज अलग होता है। बट यहाँ पे हम लोग फिलहाल ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है 23 pairs। ठीक है, जिसमें से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब ये ऑटोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? ऑटोसोम इज नथिंग बट जो नॉर्मल सेल का अपना बॉडी का फंक्शन कंट्रोल करता है। मतलब कि मुझे मान लो कोई एंजाइम बनाना है, मैंने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई एंजाइम बनाना है, मेरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए कोई एंजाइम बनाना है, कोई हॉर्मोन्स बनाने हैं, या एक बेबी है तो वो ग्रो हो रहा है तो उसके लिए ग्रोथ हॉर्मोन्स, जो भी न्यू सेल्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं वो सब कुछ जो है ना ऑटोसोम्स के अंडर, जो भी ये 22 पेयर्स होते हैं इनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हेल्प करता है। अभी एक पेयर होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, एक पेयर विच वी कॉल इट एज सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि अगर सपोज एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम है, तो जो बेबी होगी वो फीमेल चाइल्ड होगी, और अगर मान लो एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है तो वो एक बाबा होगा, यानी कि बॉय चाइल्ड। ठीक है, तो बेसिकली एक पेयर होगा जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काम करेगा, सेक्स क्रोमोसोम दे विल बी ओनली इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, या फिर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन के लिए बोल सकते हैं। बट ये जो 22 पेयर्स है ना, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, दे आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन एनी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये नॉर्मल सेल के फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे जो अलग अलग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर्स है और वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि क्रोमोसोम क्या होता है, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के अलग अलग कौन कौन से शेप्स होते हैं। There are types of chromosomes. अभी depending on the position of centromere, अभी मैंने इसके पहले जस्ट बताया था कि centromere क्या होता है, ये अटैच करता है एक आर्म को दूसरे आर्म से, ये तो इसका फंक्शन होता ही है। बट centromere का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी होता है स्पिंडल फाइबर को यहाँ पे अटैच करना ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बेसिकली जो चार अलग अलग शेप्स हैं जो फॉर्म होते हैं क्रोमोजोम के वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेटासेंट्रिक में बेसिकली क्या होता है, मेटा का मतलब ये होता है, सेंट्रिक मतलब सेंटर में, मेटा मतलब एकदम एग्जैक्टली इक्वल। ऐसा मान लो जैसा वी शेप का होता है, सेंट्रोमियर ना एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ्स के बीच में होगा, ना ज्यादा ना ऊपर ना नीचे, मतलब एक आर्म और दूसरे आर्म का लेंथ सेम होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 1 meter है फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी 1 meter का ही होगा, या मान लो ये 5 meter का है तो ये 5 meter का होगा। वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर में होगा विथ इक्वल लेंथ, दोनों आर्म जो होगा वो इक्वल लेंथ का होगा, तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक। वन आर्म एंड सेकेंड आर्म आर इक्वल इन लेंथ एंड द सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस टू आर्म्स, so that position is considered as metacentric. Next one is submetacentric.
सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, जो एग्जैक्टली जो वी में समझ लो यहाँ पे हो रहा था तो कहीं पे जाके यहाँ पे होगा, ऐसा मान लो। ठीक है, ये एक रफली एग्जांपल दे रही हूँ। इट अपीयर्स लाइक अ एल शेप, अगर मैं इसको सीधा लिखूं तो समझ लो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर का पोजीशन मेटा के थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि एक आर्म थोड़ा सा बड़ा होगा और एक आर्म कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होगा। यहाँ पे देखो ऑलरेडी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 5.5 मीटर लिया, यहाँ पे मान लो दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर, समझा? तो थोड़ा सा जस्ट ऊपर होगा मेटासेंट्रिक के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वन इज एग्रोसेंट्रिक। एग्रोसेंट्रिक में क्या होता है, और भी ऊपर होता है, जैसे कि अब सपोज ये वी वाला ही है, वी में यहाँ पे था और एल में यहाँ पे था, तो ये मान लो कहीं यहाँ पे है सेंट्रोमियर। वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रोमियर का पोजीशन, कंफ्यूज मत होना ये डॉट डॉट्स क्या है, दिस इज नथिंग बट सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एट द एंड, नॉट एट द एंड बट ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंडिंग पे होगा सेंट्रोमियर, एंड इट रिजेंबल्स अ जे लाइक शेप। मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा होता है, और ये हो गया अपना मान लो जे शेप, ये मैंने उल्टा ड्रॉ किया, अगर सीधा अज्यूम करें तो यहाँ पे, तो इट अपीयर्स लाइक अ जे शेप, तो इसका पोजीशन थोड़ा सा ऊपर से जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, एंड टेलोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर एकदम ही एंड पे होता है, एकदम एंड में, जस्ट एट द एंड, जो मेरा आर्म है उसके एकदम एंड में होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज आई शेप्ड और रॉड शेप। दिस एग्रोसेंट्रिक इज ऑल्सो नोन एज जे शेप। सब मेटासेंट्रिक इज ऑल्सो नोन एज एल शेप एंड मेटासेंट्रिक इज नोन एज वी शेप। तुम्हारे लेवल पे इतना ही है, तो फिलहाल शेप्स याद रखना। ठीक है, इसके आगे मैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट बताती हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम, हेटरोलोगस क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी क्रोमोसोम्स में बेसिकली यही तीन टॉपिक्स है, द हेडिंग्स यू शुड नो, होमोलोगस क्रोमोसोम, हेटरोलोगस क्रोमोसोम एंड एलोसोम्स। अभी एलोसोम्स इज नथिंग बट सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, पढ़ेंगे। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? अभी कोई भी सोमैटिक सेल होता है ना, सोमैटिक मीन्स विच इज नॉट अ सेक्स, सेक्स सेल। ठीक है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है ना, इट इज जनरली इन अ पेयर। ठीक है, अगर ये पेयर में है, जिसका बोथ द आर्म्स वगैरह सब कुछ सेम है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब कि पेयर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं ना, तो दिस इज माय सिंगल क्रोमोसोम, बट होमोलोगस क्रोमोसोम में बेसिकली क्या होगा, और एक क्रोमोसोम जो है अटैच्ड होगा, इट विल एग्जिस्ट इन अ पेयर। तो यहां पे व्हेन इट इज इन अ पेयर एंड सारा इसका शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन सेम है, तो इट इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। हेटेरोलोगस क्रोमोसोम में बेसिकली क्या होगा, मान लो एक क्रोमोसोम है मेटासेंट्रिक में, देन एक क्रोमोसोम है मान लो तुम लोग डायरेक्टली टीलोसेंट्रिक में। वैसे तो ऐसे क्रोमोसोम साथ में नहीं होते हैं, सोमैटिक सेल में हमेशा प्रॉपर होमोलोगस क्रोमोसोम में हमेशा जो सेम होते हैं इन शेप, वही साथ में होते हैं। दूसरा हेटेरोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि अलग अलग होता है इनका शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये अगर देखो तो ये मेटासेंट्रिक स्टेट में है, ये अगर देखो तो ये टीलोसेंट्रिक स्टेट में है, या फिर अगर मैं बात करूं मान लो ये वाला सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, तो ये भी अगर मैं देखूं तो दे आर नॉट होमोलोगस, सेम नहीं है ना, इसका शेप अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इसका सेंट्रोमियर का पोजीशन मिडल के थोड़ा सा नीचे है, इसका एंडिंग के थोड़ा सा पास में है, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो अलग है। सो दिस बिकम्स माय हेटरोलोगस क्रोमोसोम। एंड एलोसोम इज नथिंग बट सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम होता है,
एक्स एक्स होगा तो वो फीमेल होगी, एक्स वाई होगा तो मेल होगा. सो दिस इज नथिंग बट सेक्स क्रोमोसोम. रिमेंबर सेक्स क्रोमोसोम इज ऑल्सो नोन एज एलोसोम्स. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टडी व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए एंड व्हाट इज जीन.